कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, ब्लॉग वीडियो शूट किया हूँ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो भी है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको नदी में घुमाने वाला हूँ, तो बने रहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। ये देख लीजिए आप, ये नदी के बारे में आपके मन में ख्याल आता होगा तो बता दे गाइस कि ये नदी महानदी के नाम से जाना जाता है। और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के धमतरी ज़िला से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। और इसकी दूरी की बात करें गाइस कि कितना दूर का सफ़र करता है ये नदी, तो गाइस आपको बता दे कि ये नदी जो है धमतरी से 900 किलोमीटर का सफ़र करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। तो गाइस ये नदी, इसका एक डैम भी है जिसको गंगरेल डैम से नाम जाना जाता है। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। और दूसरा अपडेट के लिए अगर कहेंगे तो हम गंगरेल डैम का भी वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक। इसका लोग मकान भी बनाते हैं, मकान बनाने के लिए ले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी है और ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा आसानी रहता है, पानी रहेगा तो नहीं ढूंढ पाएंगे। ये आप देख सकते हो गाइस, ये पानी, ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ मिले शायद, इसमें शायद कुछ है नहीं। हमें नहीं लगता कि इसमें हम कामयाब हो पाएंगे, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। हम सब्सक्राइब भी कर दें, देख सकते हो इसमें काफ़ी दलदल है। तो गाइस हमारे हौसला अफजाई के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। आइए हम इस नदी के बारे में कुछ और बात करते हैं। ये गाइस देख लीजिए, ये नदी गाइस रेत वाली नदी है जिसमें रेत ही रेत है। और यहाँ से लोग रेत निकाल के लेके जाते हैं जिससे मकान बनता है। इसका लोग ठेकेदार भी होते हैं इसके, कि ठेकेदार में जो ठेकेदार रहता है उसी के थ्रू ये रेत ले जा सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो हमारा, अभी मैं, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो है, तो मैं इसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूंगा। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। ये देख लीजिए, ये इसके बारे में